नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार 3 दिसंबर से पहले भी किसानों से बात करने के लिए तैयार है। हालांकि शाह की शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर किसान नाराज हैं तो जाकर सबसे पहले बुराड़ी ग्राउंड में बैठें और फिर उसके बाद बातचीत के रास्ते की शुरुआत होगी। तो बता दें कि सुबह 9 बजे किसानों की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। ये अपील है गृह मंत्री अमित शाह की, ये संदेशा है केंद्र सरकार का। किसानों को लेकर मोदी सरकार फिक्रमंद है। सड़क किनारे रातें गुजारने पर अड़े किसानों को लेकर सरकार चिंतित है। यही वजह है कि जिन अन्नदाताओं के लिए सरकार ने कृषि कानून बनाया, उनसे बात करने का एक बार फिर ऑफर दिया गया। इस बार मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाला। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। वैसे तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि अगर किसान जल्द बात करना चाहते हैं तो मुकर्रर जगह पर शिफ्ट हो जाएं। अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने बातचीत की पेशकश तो कर दी है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर ही तंबू गाड़ दिया है। सिंघू बॉर्डर और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अमित शाह की अपील को लेकर आज सुबह 9 बजे किसान बैठक करेंगे। इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलनकारी गृह मंत्री की अपील मानेंगे या नहीं। फिलहाल किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये बात चुभ रही है कि आखिर अमित शाह ने शर्त क्यों लगा दी। सरकार की ओर से जो ये हमें इनविटेशन दी जा रही है इस स्टेटमेंट के जरिए, उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ऐसी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि पहले किसान वहाँ जाएं, फिर हम उनसे बात करेंगे। ये एक तरह का सरकार का ये बात निकल कर आती है कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति सॉफ्ट नहीं है। सरकार किसानों के मामले के हल के लिए शायद तैयार नहीं है। किसान उस पर सोच रहे हैं, डायलॉग को जाएंगे भी, चर्चा भी करेंगे, पर केवल इतना है कि शर्तों के आधार पर नहीं, बड़े दिल के साथ में किसानों के साथ बात करना चाहिए। कड़कती ठंड में किसान सड़कों में पड़ा हुआ। बातचीत की टेबल पर बैठने की सलाह पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सियासत करने से भी बाज नहीं आ रही। गृह मंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से शर्तें नहीं रखी जाती। अगर कोई आपके निर्णय से नाराज है, दुखी है, क्रोधित है, तो शर्तें रखने वाले आप कौन होते हैं? मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने देखा गृह मंत्री इस दंभ के साथ आकर और शर्तें रख रहे हैं उन किसानों के सामने जिनको आपने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तबाह भी आप करें, शर्तें भी आप रखें, ये कहां के कानून है? जिनके दम पर मिट्टी भी सोना उगलती है, जिनकी मेहनत से भारत का पेट भरता है, उनकी आवाज मायने रखती है। यही वजह है कि सरकार बार बार बातचीत के लिए किसानों को बुलावा भेज रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि रास्ता बातचीत के जरिए ही निकलना है और बातचीत की पेशकश कर भी दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। अब उन शर्तों पर क्या किसान मानेंगे या नहीं, बैठक होनी है, इस पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।